नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द ट्रिस्ट मीडिया। द ट्रिस्ट मीडिया के इस खास डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के इस खास डिस्कशन में हम अकादमिक आजादी के हमले पर बात करेंगे। इसी साल मार्च में स्विडिश संस्था बिडेन की रिपोर्ट में भारत में घटते लोकतंत्र का जिक्र किया गया और इसे चुनी हुई तानाशाही इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया। इस रिपोर्ट में लोकतंत्र को मापने का एक मानक अकादमिक आजादी भी है, जिसमें भारत का स्कोर 0.352 था, जो सऊदी अरब और लीबिया के स्कोर के बराबर रहा। किसी देश की अकादमिक आजादी इस बात पर तय होती है कि उसके विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में, किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और किसी मुद्दों पर बिना किसी कोट अनकोट बाहरी प्रभाव के बहस करने की कितनी आजादी है। भारत में सिलसिलेवार ढंग से इस आजादी पर हमले हो रहे हैं। इसी साल 15 जनवरी को भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव एक कार्यकारी आदेश में देश भर के विश्वविद्यालयों को यह आदेश देते हैं कि विदेश मंत्रालय के अनुमति के बिना वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समागम, गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन नहीं करेंगे। हालांकि लगभग एक महीने बाद सरकार ने अपने इस कार्यकारी आदेश को वापस ले लिया, लेकिन इसका जो अभिव्यक्ति के अधिकार पर चिलिंग इफेक्ट पड़ा, उसे हम आज भी देख रहे हैं। मार्च के महीने में जाने माने राजनीति शास्त्री एवं टिप्पणीकार प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता, अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफे तक ये हमला नहीं रुकता। इसकी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें अकादमिक संस्थान, टिप्पणीकार, छात्र सभी शामिल हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो अकादमिक आजादी की चुनौतियों को गहरा करता हुआ नजर आता है। बीते 31 जुलाई को हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक चेतना की प्राप्ति में सांस्कृतिक एवं भाषाई चुनौतियों के विषय पर आयोजित सेमिनार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गैर लोकतांत्रिक हस्तक्षेप तथा पुलिस के गैर संवैधानिक हस्तक्षेप के बाद विड्रॉ करना भारत में घटते लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विश्वविद्यालयों के भीतर विचार विमर्श की घटती जगह, नागरिक आजादी, उसके साथ संवैधानिक लोकतंत्र के नीम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर अपूर्वानंद, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर चयनिका उनियाल, फेलो साउथ एशियन डेमोक्रेटिक फोरम, सचिव, राष्ट्रीय सचिव महिला कांग्रेस, एस आर दारा पुरीशर, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता। स्वागत है आप तीनों का। प्रोफेसर अपूर्वानंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीते दिनों जो सागर यूनिवर्सिटी में हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? खासकर हम एक लगातार सिलसिला देख रहे हैं कि जेएनयू, जामिया, ये कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि गवर्नमेंट्स आर द थ्रेट्स ऑफ द नॉट ओनली द एपिस्टेमेटिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बट ऑल्सो दी विटनेस इन द लास्ट 5-6 ईयर दैट विच रिवील्स द एंटी इंटेलेक्चुअल नेचर ऑफ द रिजाइन इंटेंट ऑफ द रिजाइन। We know that knowledge institutions work together with other institutions to sustain the epistemic, not only epistemic but also ethical foundation of our democratic constitutionalism. How do you see, Professor Apurvanand? आपने जो हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर घटना का जिक्र किया, उसको थोड़े विस्तार से पहले बताना जरूरी है जिससे जो श्रोता हैं या दर्शक हैं समझ पाए कि हुआ क्या है। बतलाया कि वैज्ञानिक चेतना या वैज्ञानिक संवेदना के रास्ते में भाषाई और सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, उस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होनी, विचार विमर्श होना था, जिसमें अमेरिका की एक विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सागर विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग या एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट को यह कार्यक्रम करना था। यह कार्यक्रम कायदे के साथ किया गया, सारे कायदों का पालन करते हुए, यानी पहले विभाग ने योजना बनाई, विश्वविद्यालय को योजना पेश की, उन्होंने योजना का प्रारूप दिया, उन्होंने सह आयोजक के बारे में बताया, उन्होंने वक्ताओं की सूची दी और जो पूरी प्रक्रिया होती है यानी विश्वविद्यालय ने फिर उस पर स्वीकृति दी और वो दस्तावेज मौजूद हैं, नोटशीट चलती है, नोटशीट पर स्वीकृति आती है, कुलपति की, कुलसचिव आदि के दस्तखत मौजूद हैं और उसके बाद यह आयोजन होना था। उस बीच में जो शासक दल है उसका बिरादराना संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वह एक खत
विश्वविद्यालय को लिखता है जिसमें एतराज जाहिर करता है। इसमें दो लोगों को बुलाया गया है जिनके नामों पर उसे एतराज है, डॉक्टर गौहर रजा जो निस्टैट्स में वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में उनका काफी योगदान है, उसके अलावा फिल्मकार हैं, कवि भी हैं और सामाजिक विषयों को लेकर उनकी सक्रियता के बारे में सारे लोग हैं, लेकिन उनका कार्य वैज्ञानिक चेतना के विकास में है इसलिए संभवतः उनको इस सेमिनार में बुलाया गया। दूसरे अनेक वक्ताओं में एक मैं भी था, अपूर्वानंद, जिसको संभवतः भाषा संस्कृति की दृष्टि से विचार करने के लिए बुलाया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आपत्ति दो नामों पर थी, उन्होंने गौहर रजा का नाम भी ठीक से नहीं लिखा, गौहर रजा लिखा था, और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अफजल प्रेम नाम की एक कविता लिखी है जो तथ्यता गलत था, जो तथ्य सम्मत भी नहीं है, यानी तथ्य भी नहीं है कि उन्होंने ऐसी कोई कविता लिखी, लेकिन ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लिखा। मेरे बारे में बतलाया कि मैं दिल्ली हिंसा में संलिप्तता के का संदेह है और हम दोनों देश विरोधी हैं इसलिए हमारी भागीदारी उसमें नहीं होनी चाहिए। एक पत्र मैंने और देखा जो बाद में देख नहीं सका कि ए से शुरू होने वाले जो नाम है वे संदिग्ध है। तो अब यह विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पत्र गया और उसके बाद हलचल शुरू हुई। फिर उन्होंने संभवतः पुलिस को एक पत्र लिखा और पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा कि हमें यह मालूम हुआ है कि कुछ संदिग्ध लोग इसमें भाग ले रहे हैं जिनका इतिहास रहा है घृणा फैलाने का और बाकी चीजें, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, पहले जो कहा जाएगा उस पर एकमत सहमति बना लेनी चाहिए और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम उस आप पर 505 के अंतर्गत कार्रवाई करें, इंडियन पेनल कोड का 505। और फिर विश्वविद्यालय ने एक पत्र लिखा विभाग को, मानवशास्त्र विभाग को, जिसमें कहा कि आप मंत्रालय से अनुमति लीजिए। अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ हम देखें कि विश्वविद्यालय ने अनुमति दे दी थी, उसके बाद विश्वविद्यालय लिख रहा है कि देखिए एक एक नियम है जिस नियम में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगा उसके लिए मंत्रालय से अनुमति लेनी है, आपने वो अनुमति ली है, लेकिन जैसा आपने खुद परिचय में बताया कि वो पत्र जनवरी में जारी किया गया था परिपत्र और फरवरी या मार्च में उसे वापस ले लिया था क्योंकि उसके चारों तरफ भर्त्सना हुई, पूरी दुनिया में भर्त्सना हुई, भारतवर्ष में भी हुई और सरकार को विवश होकर उसको वापस लेना पड़ा, तो वह पत्र अब नहीं है अस्तित्व में, इसलिए वह नियम भी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय ने उसका हवाला देते हुए विभाग को कहा कि आप पत्र लिखें। इसमें अटपटा यह भी है कि विभाग सीधे मंत्रालय को पत्र नहीं लिख सकता, विभाग तो विश्वविद्यालय को पत्र लिखेगा, अगर विश्वविद्यालय को ऐसा लगता है तो उसे मंत्रालय को पत्र लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय अपनी भूमिका को पूरी तरह से छोड़ रहा है और वह विभाग को कह रहा है कि आप सीधे वहां से अनुमति ले। इससे आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक तंत्र है वो कितना चरमरा गया है और वह किस तरह घबरा जाता है सिर्फ एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पत्र से घबरा जाता है। और उसके बाद पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पत्र के कारण विश्वविद्यालय को धमकी दी और फिर विश्वविद्यालय ने विभाग को लिखा कि चूंकि आपने शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं ली है आप इस सेमिनार में हिस्सा नहीं ले सकते और विश्वविद्यालय की इसमें कोई भागीदारी। सेमिनार तो हुआ, सेमिनार में हम सारे लोग बोले, बाकी लोग भी बोले, लेकिन भारत की जो भागीदारी होनी थी वो नहीं थी। इससे जो हास्यास्पद स्थिति हमारी बनी बाहर उसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन ये सबसे ताजा उदाहरण है जिसे आप विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कहते हैं, उस स्वायत्तता में हस्तक्षेप का सबसे ताजा उदाहरण, और इसके सैकड़ों उदाहरण पिछले 7 वर्षों में हमें दिखलाई पड़ते हैं। आपने प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफे की बात की और उस इस्तीफे में बहुत स्पष्ट रूप से प्रताप भानु मेहता ने कहा कि उन्हें विश्वविद्यालय के जो संरक्षक थे उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए असुविधाजनक हो रही। तो बेचारे प्रताप भानु मेहता विश्वविद्यालय की भलाई चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने आप को हटा लिया, क्योंकि वे सार्वजनिक लेखन करते हैं और यह लेखन सरकार को पसंद नहीं है या आलोचना है सरकार।
अब इसके कई पक्ष हैं, जो कि आज जो हमारी बातचीत का विषय है वह अकादमिक स्वतंत्रता है, और इसको समझ लेने की जरूरत है कि अकादमिक स्वतंत्रता है क्या चीज। अक्सर यह माना जाता है कि अकादमिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि कई तत्व हैं, दो शब्द हैं उनको ध्यान में रखिए, एक है अकादमिक स्वतंत्रता और एक है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे में मिला नहीं देना चाहिए। पहली सावधानी हम ये रखें, अकादमिक स्वतंत्रता एक स्वीकृत पद है, पूरी दुनिया में स्वीकृत है, और यह माना जाता है कि अगर विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ विश्वविद्यालय होना है, अगर उसे कहना है, अगर उसकी स्वीकृति श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में होनी है, तो उसकी जो अनिवार्यता है वह अनिवार्यता सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास कितने कमरे हैं, आपके पास कितनी जमीन है, आपके शिक्षक छात्र के बीच का अनुपात कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह, आपका पुस्तकालय कैसा है, ये सब तो हैं ही जिनको आप श्रेष्ठता के लिए देखते हैं। आपके शिक्षकों का शोध कैसा है, उनका प्रकाशन कैसा है, ये सब आप गिनते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया कि क्या आपके विश्वविद्यालय को और आपके विश्वविद्यालय के प्रत्येक अंग को अकादमिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अकादमिक स्वतंत्रता बला क्या है, या मैं अपनी कक्षा में जब जाऊं, चयनिका जब अपनी कक्षा में जाएं, तो वे अपने कक्षा में जो करना चाहती हैं उसे बिना किसी दबाव के कर पाऊं, ये पहली शर्त। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं कक्षा में गया और मैंने एक वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य तो मैंने दे लिया, लेकिन उसके बाद मुझे धमकी मिलना शुरू हो गई, या मुझे आशंका है कि धमकी मिल सकती है, इस वजह से मैंने अपने वक्तव्य को बदल दिया, संशोधित कर दिया, अपनी कक्षा को संशोधित कर दिया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुझे अकादमिक स्वतंत्रता नहीं है। मैं कक्षा में जा तो रहा हूं, मैं अपना व्याख्यान दे तो रहा हूं, लेकिन मैं वह नहीं कह रहा हूं जो मैं कह सकता, क्योंकि मेरे ऊपर एक दबाव है, अप्रत्यक्ष दबाव, मुझे कक्षा के बाद खतरा है, तो जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भी कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ उस क्षण तक नहीं है, यानी मैं जो अभी आपसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसके पहले मैं आजाद रहूं और उसके बाद भी मैं आजाद, उसके बिना यह स्वतंत्रता नहीं। उसी तरह अकादमिक स्वतंत्रता यह नहीं है कि मैं कक्षा में गया और बोल रहा हूं, बल्कि यह कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं किसी भी प्रकार। इसको इस उदाहरण से समझिए कि 2 महीना पहले केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गिलबर्ट सेबेस्टियन ने कक्षा ली, वह कक्षा फासीवाद पर थी, और उस कक्षा में उन्होंने बहुत सारी स्लाइड्स दिखलाई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, और उन्होंने जब फासीवाद के कई उदाहरण दिए और भारत की स्थिति का भी वर्णन किया। अब हम जब कक्षा में जाते हैं तो हम बहुत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम एक विषय को बोधगम्य बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम अपने आसपास के उदाहरण भी लेते हैं। वे उदाहरण लेते वक्त, उन उदाहरणों को लेते वक्त मैं आजाद हूं कि नहीं, यह गिलबर्ट सेबेस्टियन की घटना से स्पष्ट हो जाता है। गिलबर्ट सेबेस्टियन ने जर्मनी में फासीवाद या यूरोप में फासीवाद, एक फासीवाद की विशेषताएं, फासीवाद के लक्षण, इन सब को गिनाते हुए भारतीय स्थिति की भी कभी जिक्र किया, और उसके बाद उनके खिलाफ हमले शुरू हो गए, और यह कहा गया कि वे भारत का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो फासीवाद है नहीं, तो फिर भारत का जिक्र वो क्यों कर रहे थे, उन्होंने इस सरकार का जिक्र क्यों किया, यह उदाहरण क्यों दिया, और फिर उन्हें निलंबित कर दिया, और 1 महीने के बाद उनका निलंबन वापस हुआ, लेकिन उनको चेतावनी देकर वापस किया गया, यह कहकर कि आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस एक घटना से आप देख सकते हैं कि मसला सिर्फ यह नहीं है कि मैं कोई विषय पढ़ा सकता हूं कि नहीं, या विषय पढ़ा सकती हूं कि नहीं, या मैं अपना व्याख्यान दे सकता हूं कि नहीं, मैं उसे कैसे संयोजित करूं, इसमें मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं, यह एक बुनियादी सवाल है।
मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि हम सारे लोग जो कक्षाओं में जाते हैं, अपने व्याख्यान देते हैं, और चूंकि भारत में और पूरी दुनिया में कक्षाएं व्याख्यान आधारित कक्षाएं ही होती हैं, तो आप व्याख्यान में कौन से उदाहरण लेंगे, किन किताबों का जिक्र करेंगे, किन का जिक्र नहीं करेंगे, या आप कैसे तय कर, ये तय करते वक्त आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि नहीं, यह एक प्रश्न। मसलन मैं अपनी कक्षा में क्या नंदिनी सुंदर की किताब पढ़ने के लिए छात्रों को कह सकता हूं या नहीं कह सकता? अगर मैंने नंदिनी सुंदर की किताब प्रस्तावित की, तो क्या कल मेरे ऊपर हमला होगा कि मैंने एक तथाकथित माओवाद समर्थक, माओवादी समर्थक की किताब दी? हम सब जानते हैं कि नंदिनी सुंदर माओवाद की विरोधी है। फिर हम यह जानते हैं कि नंदिनी सुंदर की किताब और नंदिनी सुंदर की किताब के अध्याय को समाज शास्त्र में अध्ययन सामग्री के रूप में रखने का विरोध हुआ और अंततः उसको हटा दिया गया, यह कहकर कि वो माओवादियों की समर्थक है। तो प्रश्न अब इसके बाद का चरण यह हो सकता है कि अभी तो नंदिनी सुंदर हो या कोई और हो, अर्चना प्रसाद हो, इनके तरह की विदुषियों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये अर्बन नक्सल हैं या माओवादी समर्थक हैं, इसलिए इनकी किताब नहीं पढ़ाई जा सकती है। ठीक, अगला चरण यह होगा कि यह दबाव डाला ही ना जाए, यानी विभाग जब बैठे तो वो कहे कि यह झंझट मोल ही क्यों ले, हम इनके नामों पर विचार ही नहीं करें। तो जिसे सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं, मैं खुद अपनी सेंसरशिप कर लूंगा बिना किसी के दबाव के, क्योंकि माहौल ऐसा है। इसलिए अकादमिक स्वतंत्रता इतनी कठिन है, इस बात को समझने की हमें आवश्यकता है। दूसरे कि हम सारे लोग जो अकादमिक दुनिया में सक्रिय हैं, हम कक्षाओं में जाते हैं, हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, हम पाठ्यचर्या बनाते हैं, लेकिन हमारे दायित्व तो कुछ और भी हैं। जैसे हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम शोध कार्य करें, हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम लेख लिखें, हम किताब लिखें। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान व्यापार में हैं। हमारा काम सिर्फ यह नहीं है कि पहले से जो ज्ञान मौजूद है उस ज्ञान को एक बाकिए की तरह हम छात्रों तक पहुंचा दें, बल्कि हमारा काम यह है कि हम छात्रों के साथ मिलकर नए ज्ञान का सृजन भी करें। तो इस ज्ञान के सृजन का दायित्व भी हमारे पास है। अब इसमें मुझे पूरी स्वतंत्रता होगी या नहीं, मैं अपना विषय चुन सकूंगा या नहीं, मैं अपनी किताब अपनी तरह लिख सकूंगा या नहीं, मैं अपना लेख अपनी तरह लिख सकूंगा, यह भी अकादमिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। अक्सर लोग ये कहते हैं आप मास्टर हैं, आप अध्यापक हैं, आप जाइए पढ़ाइए, आपको जो सिलेबस दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए, बात खत्म, उससे ज्यादा आप क्यों चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों की कल्पना जिस रूप में की गई है, आधुनिक विश्वविद्यालय की, वह ज्ञान का परिसर है। ज्ञान का परिसर का मतलब जो संचित ज्ञान है अब तक का चला आ रहा ज्ञान है, उस ज्ञान से परिचित कराने का काम वो करता है, लेकिन वह उस ज्ञान में योगदान भी करता है, एक काम उसका है। दूसरे कि वह विश्वविद्यालय कोई शून्य में नहीं है, वह विश्वविद्यालय समाज में अवस्थित है, इसलिए उस समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। और वह कर्तव्य दो तरह से होता है, एक जैसा मैंने कहा इस ज्ञान का सृजन करके, और दूसरा समाज को वे उपकरण प्रदान करके, औजार प्रदान करके, उनको औजार मुहैया करा के, जिससे वह आसपास जो भी चीज हो रही है उसका विश्लेषण कर सके। इसको एक मिनट में हम समझ सकते हैं। जैसे भारत सरकार ने नोटबंदी की, अब नोटबंदी एक ऐसा कदम था जिसे अर्थशास्त्री, जिसको लेकर अर्थशास्त्रियों में भी विवाद है। सरकार ने दावा किया कि यह नोटबंदी इसलिए की गई है कि काला धन खत्म कर दिया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा, आतंकवाद पर रोक लग जाएगी। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को जो कि ना तो बैंकिंग जानता है, ना जो फिनांस जानता है, ना जो करेंसी का की भूमिका है पूरे अर्थतंत्र में उसको जानता है, वह कैसे समझे इसको?
मेरे पास तो कोई औजार नहीं है, तो फिर यह काम होगा अर्थशास्त्रियों, अरुण कुमार जैसे लोगों का, जयती पटनायक जैसे लोगों का, उत्सव पटनायक जैसे लोगों का, जयती घोष जैसे लोगों का, या प्रभात पटनायक जैसे लोगों का, या अमरजीत सेन का, या अभिजीत बैनर्जी का, कि वे मुझे, या अरविंद सुब्रमण्यम का, कि वे अर्थशास्त्री हैं, वे मुझे वे औजार दें, जिन बौद्धिक औजार दें, जिन बौद्धिक औजारों के सहारे मैं इस गुत्थी को सुलझा सकूं, खोल सकूं। यह भी मेरा, इसलिए जो भी अध्यापक होता है या होती है, उसका एक कार्य है सार्वजनिक लेखन करना, सार्वजनिक चर्चा में भाग लें। लेखन करना ही नहीं, जैसे अभी आपने यह चर्चा रखी, तो यह तो मेरे कर्तव्य का हिस्सा नहीं है विश्वविद्यालय, मैं क्यों कर रहा हूं ये चर्चा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एक सार्वजनिक चर्चा का माहौल बने, लोग बातचीत करना सीखें। अगर वह माहौल नहीं रहेगा तो मेरी कक्षा भी टिक नहीं सकती, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। यह मेरा सामाजिक दायित्व है, यानी सामाजिक विचार विमर्श में हिस्सेदारी। इसीलिए पूरी दुनिया में जो विश्वविद्यालयों के अध्यापक हैं, वो टेलीविजन पर भी आपको दिखलाई पड़ेंगे, वो अखबारों में लेखन करते हुए भी दिखलाई पड़ेंगे, किताब लिखते हुए भी दिखलाई पड़ेंगे, वो सिर्फ कक्षाओं में नहीं दिखलाई पड़ेंगे, वे वहां भी दिखलाई पड़ते हैं, और वे वहां वो कोई बाहरी कमाई करने के लिए नहीं दिखलाई पड़ते, बल्कि वे इसलिए दिखलाई पड़ते हैं कि उनका ये दायित्व है कि वे सामाजिक विचार विमर्श को वह ठीक ढंग से चल सके ये सुनिश्चित करें, यह उनका दायित्व। इसलिए जब अकादमिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती, मैं अपनी कक्षा में स्वतंत्र हूं कि नहीं, मैं अपनी कक्षा समाप्त करने के बाद सुरक्षित महसूस करता हूं कि नहीं, कक्षा में जाने की पहले मेरे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, मैं जब पाठ्यक्रम बना रहा हूं तो मेरे ऊपर मेरे ज्ञान से बाहर का कोई दबाव तो नहीं है, मसलन क्या मैं विपिन चंद्रा का पाठ शामिल करूं, क्या मैं एके रामानुजम का पाठ शामिल करूं या नहीं करूं, यह मैं तय करूंगा मैं मेरे पाठ्यक्रम की जो मांग है उस मांग के आधार पर, न कि यह समाज को पसंद है कि नहीं पसंद है, या राजनीतिक सत्ता को पसंद है कि नहीं पसंद है, इस आधार पे नहीं। यानी मेरे विषय, मेरे ज्ञान के क्षेत्र की जो जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से मैं अपना पाठ्यक्रम बना पा रहा हूं। क्या दूसरे, मैं सार्वजनिक विचार विमर्श में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हूं कि नहीं, यह तो अकादमिक स्वतंत्रता के ये सारे पक्ष, इनमें से अगर एक भी बाधित होता है, जैसे प्रताप भानु मेहता के मामले में लोगों ने कहा कि उनको तो क्लासरूम से कोई मना नहीं किया गया था, वे तो पाठ्यक्रम कोई भी बना सकते थे, इसमें तो कोई मना ही नहीं थी। अशोका विश्वविद्यालय के संरक्षकों ने कहा हमारे यहाँ अकादमिक स्वतंत्रता पूरी तरह से सुनिश्चित की जाती है, लेकिन वे भूल गए कि उन्होंने प्रताप को कहा कि उनका सार्वजनिक लेखन, उनकी सार्वजनिक उनका सार्वजनिक हस्तक्षेप विश्वविद्यालय के लिए असुविधाजनक, तो वे अकादमिक कार्य के एक हिस्से को बाधित कर रहे थे। यह बात स्पष्ट रखना बहुत ही आवश्यक। इस चीज को हम चूंकि भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये बात की है, लेकिन हम पूरी दुनिया के संदर्भ में भी देख सकते, क्योंकि अकादमिक स्वतंत्रता एक ऐसा पद है जो भारतवर्ष में आविष्कृत नहीं हुआ, बाहर हुआ, यूरोपीय विश्वविद्यालयों में, पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में इसको लेकर लोग काफी सक्रिय और चिंतित रहते कि इसे कहीं से बाधित न किया जाए। अकादमिक स्वतंत्रता मेरे ऊपर निर्भर है, लेकिन यह और भी चीजों से तय होती है, और इसलिए मैंने कहा स्वायत्तता और स्वतंत्रता को हम थोड़ा अलग करेंगे, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। अगर मेरा विश्वविद्यालय स्वायत्त नहीं है तो वह स्वतंत्रता मेरी निश्चित नहीं कर सकता। यह बात सागर विश्वविद्यालय के उदाहरण से स्पष्ट है कि सागर विश्वविद्यालय स्वायत्त नहीं था, वरना सागर विश्वविद्यालय ने जो पहले स्वीकृति दी उसको वापस क्यों ले लिया? तो उस पर दबाव किसका था? उसका दबाव एक संगठन का था जो कि शासक दल का सदस्य है या शासक दल का सहयोगी संगठन है,
और उस पर दबाव सरकार का था। सरकार ने वह जो परिपत्र निकाला जिसको वापस लिया, लेकिन उस परिपत्र को निकालने का मतलब ही है कि सरकार यह समझती है कि वह हस्तक्षेप कर सकती है विश्वविद्यालय, वह उनको बतला सकती है। और मैं आपको बताऊं कि यह कोई पहला उदाहरण नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रवृत्ति नियंत्रण करने की है, सेंसरशिप की है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था और उस परिपत्र में खासकर आदिवासी विषयों से जुड़े हुए शोध कार्य में अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो उसमें सरकार की स्वीकृति लेना बहुत ही आवश्यक है। ये बात अब लोग भूल गए, वह शायद परिपत्र अभी भी वह परिपत्र प्रभाव में है, प्रभाव मतलब उसको निरस्त नहीं किया गया, इसलिए सरकार चाहे तो उस परिपत्र को वैसे ही इस्तेमाल कर सकती है जैसे यूपीए ने यूएपीए बनाया, उसको यह सरकार इस्तेमाल कर। तो यह हस्तक्षेप सरकार कर सकती है विश्वविद्यालय में, इसका मतलब विश्वविद्यालय को पूरी तरह स्वायत्तता नहीं है। वैसे ही जैसे विश्वविद्यालय अपने कुलपति का चुनाव करने में पूरी तरह स्वायत्त, यह सरकार की उसमें कोई भूमिका है। अगर सरकार की उसमें कोई भूमिका है तो विश्वविद्यालय स्वायत्त नहीं, और इसीलिए भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो आखिरकार सरकारों के आगे झुक जाते हैं। उनमें से बहुत कम कुलपति हैं और बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जो टिक सकते हैं। और यहाँ भारत के विश्वविद्यालयों की बनावट को भी ध्यान में रखिए, कई तरह के विश्वविद्यालय हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विश्वविद्यालयों की संख्या ज्यादा है, हम अक्सर उनको भूल जाते हैं। कुछ हैं जो जिन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वे हैं अनेक निजी विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता ऐसा अशोका यूनिवर्सिटी में देखा गया और भी कम है, क्योंकि उन पर निजी संरक्षकों का दबाव, उद्योगपतियों का दबाव है, बाकी लोगों का दबाव। इसलिए जो चीज सार्वजनिक विश्वविद्यालय में, यानी जो राज्य के संरक्षण और संपोषण से चल रहे विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उनमें जो चीज होती है और उसका विरोध होता है, अशोका विश्वविद्यालय जैसी जगह में वह चीज खामोशी से हो जाती है, क्योंकि वहां निजी क्षेत्र के लोग हैं और वो बुलाकर सिर्फ इशारा करते हैं तो वहां शोर भी नहीं होता। प्रताप भानु मेहता चूंकि इतनी जानी मानी शख्सियत थे कि शोर हो गया और उन्होंने पत्र लिख दिया, वरना वहां बहुत सारे लोग इस्तीफा देकर चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें वो पाठ्यक्रम की हों या बाकी हों वो अपने आप ही हो जाती है। तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पहली शर्त है अकादमिक स्वतंत्रता की, अगर वो स्वायत्त नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अर्थ सिर्फ कुलपति की स्वायत्तता नहीं है, कुलपति जो करना चाहे वो कर सकता है, सिर्फ ये नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में अनेक अंग होते हैं, उसका उसकी अकादमिक परिषद है, उसके संकाय हैं, फैकल्टीज हैं, उसमें अध्यापक हैं, उसमें विभागीय परिषद है, कॉलेज है, ये सब के सब स्वायत्त ढंग से निर्णय कर सकते हैं कि नहीं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति, और यह फिर सरकार का मामला नहीं है, इसके पीछे का है, यानी यूपीए सरकार का समय का मामला है, लेकिन मैं उसको सरकार से नहीं जोड़ा, मैं बता रहा हूं कि कुलपति स्वायत्त हो सकता है, उस पर सरकार का दबाव नहीं हो सकता है, फिर भी विश्वविद्यालय में स्वायत्तता नहीं हो सकती। उसका उदाहरण है दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को लागू कर, वह कुलपति ने अपनी एक टास्क फोर्स बनाकर लागू कर दिया और उसके बाद विश्वविद्यालय के सारे संकायों ने, सारी फैकल्टीज ने उसको ज्यों का त्यों पारित कर दिया बिना उस पर बहस किए हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी फैकल्टीज हैं, यानी हर फैकल्टी है, फैकल्टी सिलेबस पर विचार करती है, फैकल्टी करिकुलम पर विचार करती है, उसको स्वीकृत करती है, लेकिन अगर कुलपति की ओर से कोई प्रस्ताव आए और उस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों पारित कर दिया जाए, इसका मतलब फैकल्टी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही है, अकादमिक परिषद अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वहां कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है और वह स्वायत्त नहीं है। इस बात को समझना हम सब लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा,
विचारधारात्मक दबाव हो सकता है, हो सकता है कि सरकार की तरफ से सीधा कोई हस्तक्षेप ना हो, लेकिन जब विश्वविद्यालय में अध्यापकों का चयन हो रहा हो तो उसमें एक विचारधारा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो आधिकारिक ढंग से बढ़ जाता है। क्योंकि हम आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हैं, जो कि एक विचारधारा आधारित पार्टी है। इसके अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले सालों में जो नियुक्तियां हुई हैं हम उनके उदाहरण ले सकते हैं और कह सकते हैं कि वो कैसे एक ही राजनीतिक दल या एक ही राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की बहाली है। लेकिन मैं इसको नहीं लूंगा, मैं वाम मोर्चे के समय पश्चिम बंगाल में जो हो रहा था उसको ले, वह भी वही था जो इस समय भारतीय जनता पार्टी शासित भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों में हो रहा है। यानी आप एक तरह की विचारधारा का वर्चस्व विश्वविद्यालय में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उस विचारधारा से जुड़ा हुआ दल शासन में, और यह बिना कहे होता है। जरूरी नहीं है कि सरकार की ओर से कोई फरमान आए, कुलपति और बाकी लोग उस दबाव में अपने आप ही आया हुआ महसूस करते हैं। कई बार फरमान होता भी है, कई बार सूची दी भी जाती है, असुविधाजनक लोगों की नियुक्ति नहीं होती। जो लोग विचारधारात्मक रूप से असुविधाजनक हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होती। तो इसमें जो अगर भारतवर्ष के इतिहास को देखने की कोशिश करें तो दिखलाई पड़ता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो वैचारिक उदारता दिखलाई पड़ी वह कांग्रेस के शासन काल में दिखलाई, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा विशेष का दल नहीं है। तो उसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, जिन्हें उदार कहते हैं राजनीतिक रूप से, वे तमाम लोग अध्यापकों के रूप में बहाल हुए। लेकिन यही बात आप वाम मोर्चा शासित पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं कह सकते, और यही बात आप भारतीय जनता पार्टी शासित भारत के बारे में नहीं कह सकते। वहां एक तरह के विचारधारा के लोग, जब एक तरह की विचारधारा के लोग भर दिए जाएंगे तो अकादमिक स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि अकादमिक स्वतंत्रता की दूसरी मांग वह है वैचारिक विविधता। मैं, आप दारापुरी साहब सब एक ही स्वर में अगर बोलने लगेंगे तो इसको अकादमिक स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे कि नहीं, इन सब ने फैसला किया है, एक ही तरह से बोल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं एक ही तरह से क्यों बोल, जैसे चीन में एक ही तरह से सारे लोग क्यों बोलते हैं चीन के विषय, या स्टालिन के सोवियत संघ में एक ही तरह से लोग क्यों बोलते हैं। तो स्टालिन के सोवियत संघ में या साम्यवादी शासन के चेकोस्लोवाकिया में या हंगरी में या रोमानिया में क्यों विश्वविद्यालय में एक ही तरह से सारे लोग, क्यों विचारों की विविधता नहीं थी। तो जब हम आधुनिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो उसके साथ अनिवार्य है बौद्धिक विविधता और विचारों की विविधता। मैं उसको सामान्यकृत ढंग से दक्षिणपंथी वामपंथी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मैं ज्ञान को अलग अलग ढंग से ग्रहण कर सकता हूं और अलग अलग ढंग से उस पर विचार कर सकता हूं, और इसकी पूरी आजादी मुझे होनी चाहिए। एक ही तरह की यह विविधता अगर नहीं है, अगर एक रंगापन है, इसका मतलब आकादमिक स्वतंत्रता का छलावा है, वह स्वतंत्रता नहीं। शोध पत्र लिखे जा रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन स्वतंत्र विचार नहीं हो रहा, या अनुकूलित विचार। जैसे आप एयर कंडीशनिंग कर देते हैं वैसे यह कंडीशनिंग, और यह कंडीशनिंग लोग कहेंगे देखिए कहीं कोई दबाव नहीं। जैसे स्टालिन के बारे में कहा जाता था कि स्टालिन हॉल में आया, लोगों ने खड़े होकर ताली बजानी शुरू की, या किम इल सुंग के समय ताली बजाना शुरू की, ताली बंद ही नहीं हो रही। तो लोगों ने कहा स्टालिन ने तो नहीं कहा है ताली बजाते रहने के लिए, लोग खुद इतना खुश हैं कि ताली बजाते चले जा रहे। लेकिन लोगों को पता है कि अगर आप ताली बजाना बंद कर देंगे तो हो सकता है आपको चिन्हित कर लिया जाए और आपको सजा दी जाए। तो जो स्वतः होता हुआ दिखलाई पड़ता है वो स्वतः नहीं है। यह चीज दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से होती है। जो अपने आप को स्वतंत्र देश कहते हैं वहां भी अकादमिक स्वतंत्रता सीमित की जाती है, कई बार सीमित की जाती है, और उसके लिए सबसे बड़ा तर्क लिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क। राष्ट्र को सबसे बड़े तर्क के रूप में लाया जाता है,
दूसरा तर्क धर्म का लाया जाता है कई जगह, सामाजिक संवेदनाओं का तर्क लाया जाता है, भावनाओं का तर्क लाया जाता है। ये सारे तर्क लाकर अकादमिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया जाता है पूरी दुनिया। जैसे इंग्लैंड में सरकार ने कोशिश की कि विश्वविद्यालयों को वो कहे कि आप निगाह रखिए उन छात्रों पर और अध्यापकों पर जो दहशत गर्दों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, यह यूनाइटेड किंगडम में कहा, जिसका तीव्र विरोध हुआ। तो हमारे कैंपस में हस्तक्षेप अनेक प्रकार से हो सकता है। अब कैंपस में हो सकता है कि कोई एक सामाजिक दल यह कहते हुए घुस आए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वह उसकी जातीय अस्मिता पर हमला है, और इसीलिए विश्वविद्यालयों के बारे में यह समझ है। और यहां मैं अपनी बात रोकूंगा क्योंकि चयनिका भी अपनी बात कहेंगे, धारापुरी साहब भी अपनी बात कहेंगे, तो यह कि विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालय एक तरह से समाज के भीतर हैं लेकिन वो समाज के बाहर है। उसको यूं समझ लीजिए कि हम एक शून्य पैदा करते हैं और उस शून्य में विश्वविद्यालय रहता है, ताकि जो दबाव है समाज का और सरकार का, सत्ता का दबाव, वह विश्वविद्यालय पर ना पड़ सके। ये पूरी दुनिया में होता है और इसीलिए विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक हैं वे सरकारी नौकर नहीं होते, उन पर आचार संहिता सरकार की लागू नहीं होती, लेकिन इस सरकार ने वह आचार संहिता भी लागू करने की कोशिश की है और कई विश्वविद्यालयों ने उसको अपना लिया। मुझे पता चला कि केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपना लिया है और कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपना लिया है वह आचार संहिता जो सरकारी नौकरों की है, वही अध्यापकों की। उसका अर्थ क्या होगा? वे अपना मत स्वतंत्र रूप से कभी व्यक्त नहीं कर सकेंगे, जैसे सरकारी नौकर नहीं कर सकते। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और देख हमेशा हमें जांच करते रहना चाहिए कि अकादमिक स्वतंत्रता के मामले में हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। भारत के विश्वविद्यालयों के को पिछले 7 वर्षों में अगर उनकी स्थिति को देखा जाए तो वे लगातार नीचे गिर रहे हैं। सागर विश्वविद्यालय का मामला पहला नहीं है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की तरफ से महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी का नाट्यांतरण मंचित किया गया। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दूसरे संगठनों ने हमला किया और वहां के अध्यापिका की जांच हुई, स्नेह सता की और दूसरे लोगों की। उसी तरह जोधपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार के आयोजिका राजश्री राणावत को निलंबित कर दिया गया और FIR दर्ज कराई गई, उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एतराज किया था। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक अध्यापिका को निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले एक अध्यापक को बुला लिया। इस तरह के उदाहरण बीसियों हैं, बल्कि सैकड़ों हैं। रामजस कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा था 2016 में, जिसमें उमर खालिद को आमंत्रित किया गया था, उस सेमिनार पर हमला किया गया, सेमिनार नहीं हुआ। उसके बाद रामजस कॉलेज में उस तरह के सेमिनार होना बंद हो गया। हमें इस बात की सूचना है कि बहुत सारे अध्यापकों को आमंत्रित किया गया और उसके बाद उन्हें फोन करके कहा गया कि हम आपको आमंत्रित नहीं कर सकते। बहुत सारे सेमिनार स्थगित कर दिए। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एकांकी या नाट्य समारोहों का एक संस्कृति थी, लेकिन 2016 के बाद वो बहुत ही शिथिल पड़ गई है, नहीं के बराबर, या उसकी जो थीम विषय वस्तु लोग चुनते हैं वो अब सुविधाजनक विषय वस्तु चुनते हैं जिससे उन पर हमला ना हो जाए। तो यह देखना, और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, माफ कीजिए, वो ये कि हम जब अकादमिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यह ध्यान रखें कि भारत के विश्वविद्यालयों में ऐतिहासिक रूप से छात्र सक्रियता भी रही है, यानी छात्र संगठन रहे। तो अगर भी छात्र संगठन काम नहीं कर पाए, अगर वे आंदोलन नहीं कर पाए, वे अगर अपनी बात नहीं रख पाए, अगर वे अपनी गोष्ठियां नहीं रख पाए, तो भी अकादमिक स्वतंत्रता को मानना चाहिए कि वह बहुत ही सीमित। लोग कहते हैं कि यह तो अतिरिक्त है, छात्र संगठनों की क्या जरूरत, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय दरअसल
नागरिकता में प्रशिक्षण का या सामाजिक जीवन में प्रशिक्षण की भी एक जगह, इसको हमें याद रखना चाहिए। और यह इसलिए कि भारत जैसे अत्यंत ही विभाजित समाज, जाति विभाजित समाज, जब छात्र छात्राएं अपने समाजों से निकलकर विश्वविद्यालय परिसर में आते हैं तो वे पहली बार आजादी का अनुभव करें, लड़कियां पहली बार आजादी का अनुभव करें, वो पहली बार अपनी मर्जी से अपने दोस्त चुन सकती हैं, पहली बार हम अपनी जाति के बाहर जाकर लोगों से बातचीत करते, इस तरह के रिश्ते पहली बार बनते। विश्वविद्यालय इसलिए समाज बड़ा दिख सकता है, समाज खुला दिख सकता है, लेकिन समाज में जो बंदिशें हैं उनसे विश्वविद्यालय अपने नौजवानों को, अध्यापकों को आजाद करे। तो अगर वह आजादी नहीं मिलेगी तो सिर्फ कक्षा का चलना, परीक्षाओं का होना या अकादमिक स्वतंत्रता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उनियाल। इससे पहले कि हम दादापुरी साहब के पास जाएं और पुलिस के अनकॉन्शियसल इंटरवेंशन पे बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरफ प्रोफेसर अपूर्वानंद इशारा कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी की जो संकल्पना है वो बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखी गई, उसका उसको कहा गया कि जो डॉगमेटिक बिलीफ है उससे इतर जा करके आप एक वाइडर वर्ल्ड व्यू दिखाएंगे अपने बच्चों को, आप छात्रों को एक ऐसा वर्ल्ड व्यू दिखाएंगे जो एक कैंपस इंटीग्रिटी की बात की गई, बात ये कही गई कि एक सामाजिक लाभ सुनिश्चित कर सके। आप इन घटनाओं को एक राजनीतिक पर्सपेक्टिव से भी कैसे देखते हैं? मुझे याद आता है कि आज टैगोर की पुण्यतिथि है और उन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सिटी है वो एक डेड केज नहीं हो सकता है, एक मृत पिंजरा नहीं हो सकता है जहां आप जाके किसी को खाना खिला सकें, आर्टिफिशियल फूड खिला सकें। ये एक वर्ल्ड व्यू हो सकता है जहां आप एक, जो अभी प्रोफेसर अपूर्वानंद बात कर रहे थे कि एक नागरिकी की प्रशिक्षण भी होती है, एक छात्र के नाते भी हम जब विश्वविद्यालय में घुसते हैं तो हम उन बंदिशों से इतर निकलते हैं जिस बंदिशों के साथ हम विश्वविद्यालय में घुसते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं एक राजनीतिक पर्सपेक्टिव से भी, जिस तरह प्रोफेसर अपूर्वानंद इशारा कर रहे थे कि जो संकल्पना थी, जो टैगोर की संकल्पना थी, जो नेहरू की संकल्पना थी कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेस होगा जहां यूनिवर्सलिज्म होगा, जहां बहुतायता होगी, उसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, चूंकि आपने टैगोर की बात की तो मुझे याद आता है कि 1903 के आसपास जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पे वायसराय थे तो वो एक यूनिवर्सिटी विधेयक जो है लेकर के आए थे और उस विधेयक पे चर्चा हुई थी 1903 के अंदर ही कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, और जिसपे मदन मोहन मालवीय ने एक प्रस्ताव जो है पढ़ा था। मदन मोहन मालवीय की कोटेशन के साथ मैं ये बात अपनी शुरू करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय आयोग की जो रिपोर्ट में जो भी सिफारिश दी है उस सिफारिश के अनुरूप अगर विश्वविद्यालय विधेयक कानून के रूप में अगर परिवर्तित हो जाता है तो वो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, और जबकि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता ही काफी हद तक उसकी दक्षता और उपयोगिता पर निर्भर करती है और उसे व्यवहारिक रूप से सरकारी विभागों में नहीं बदलना चाहिए। जो मदन मोहन मालवीय 1903 में कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो तो औपनिवेशिक काल था, एक औपनिवेशिक सरकार से उस तरह की आचरण की कल्पना करना स्वाभाविक है, लेकिन अब ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और हमारे जो पूर्वज एक लेगेसी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, अगर उस लेगेसी से इतर हट के हम कुछ और अपना रहे हैं तो वो अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है सरकार की नीयत पर खड़ा करता है। मुझे लगता है कि ये चीज तब शुरू हो गई थी जब CBCS लाया गया था। हालांकि अपूर्वानंद सर ने बहुत विस्तार में बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन CBCS मैं इसलिए बात कर रही हूँ CBCS की क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध हुआ, बहुत सारे आंदोलन भी चले। CBCS की जो सबसे बड़ी दुखद पहलू ये है कि पूरे विश्व का आप हर कंट्री उठा करके देख लिए, हर देश के अंदर हर विश्वविद्यालय को उसका अपना सिलेबस क्या होगा ये निर्धारित करने का अधिकार है। अगर आप सिर्फ तानाशाही राष्ट्रों को छोड़ दें, वहां पे भी लोकतांत्रिक सरकार है, वहां पे हर विश्वविद्यालय वो अपने सिलेबस में क्या पढ़ाएगा विश्वविद्यालय खुद तय करता है, और पहले हिंदुस्तान में भी ये परंपरा थी। लेकिन CBCS लागू होते ही आपने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक
एक रूप सिलेबस की कल्पना कर दी, एक रूपता ला दी उसमें, यानी कि एक यूजीसी की कमेटी है जो आप डिसाइड करेगी कि हिंदुस्तान भर के विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए। पढ़ने के लिए सिर्फ 30% का हिस्सा जो है विश्वविद्यालयों के पास छोड़ दिया गया कि वो 30% में वो क्या अपना ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। वो 30% में भी कितनी स्वतंत्रता है वो व्यवहारिक रूप से वो सब जानते हैं, लेकिन 70% राइट आपने छीन लिए। पहला हमला तो मेरे को लगता है कि CBCS के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही हुआ, और ये इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज आती है वो ACEC में डिस्कशन होता है, वो नहीं हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम स्टाफ एसोसिएशन ने उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित करके दिया, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा हमला तो यही हो गया था। दूसरी चीज मैंने ये देखा कि ये जो बात आ रही थी सागर यूनिवर्सिटी की, हालांकि सर ने नाम भी लिया राजश्री रानावत मेरी दोस्त है, हम लोगों ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़ाया है, आज वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और उस सेमिनार में मैं मौजूद थी, मैंने पेपर भी पढ़ा था और मेरा पेपर पब्लिश भी हुआ है उस सेमिनार की प्रोसीडिंग के अंदर। वो सेमिनार गवर्नमेंट फंडेड था और वो सेमिनार में मैं थी और मैंने देखा था कि राइट टू लेफ्ट हर व्यक्ति को उसने बुलाया था, राइट लेफ्ट सेंट्रिक, उसने ऐसा कोई एक रूपता नहीं रखी थी अपने सेमिनार में कि उसने सिर्फ लेफ्ट वालों को बुलाया हो या सिर्फ कांग्रेस ही भर दिए हो या सिर्फ बीजेपी वालों को बुलाया। उसने जब मुझसे चर्चा की थी तब भी उसने ये कहा था कि जनिका मैं चाहती हूँ कि हर पक्ष का जो है आवाज यहाँ पर रखी जाए। उस सेमिनार के अंदर किसी वक्ता ने कुछ कहा जिसको मुद्दा बनाया गया और उस मुद्दे के तहत उसको सस्पेंड कर दिया गया और उससे कहा गया कि आपने उनको क्यों इनवाइट किया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसने लिस्ट ने HOD को भेजी, HOD ने VC को भेजी, सबके जो है टिकट्स जो है वो अप्रूव हुए, टिकट का पैसा अप्रूव हुआ। ऐसा नहीं था कि उसने कोई छुप करके किसी को बुला लिया हो, जो भी गेस्ट आने वाले थे उन सबके लिस्ट HOD के पास गई है, HOD से किसी के पास गई है, उसके बाद में वो अप्रूव हुई है, उनके लिए पैसा अप्रूव हुआ है, TA अप्रूव हुआ है और फिर जाकर के वो लोग बुलाए गए हैं। उसमें जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति है जिसको अप्रूवल से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ लिस्ट सबमिट कर रहा है आगे, उस पर आपने गाज गिरा दी। से पहले तो आपको HOD से पूछना चाहिए और HOD से पहले VC को पूछना चाहिए था। मैं ये देख रही हूं कि क्योंकि आपको मुद्दा बनाना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक पक्ष की जो आवाज है वो भी पब्लिकली आए, इसलिए आपने उसको मुद्दा बनाया और एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया जिसका कोई मेरे को नहीं लगता कि कानूनी तौर पर अगर उसमें कोई भी स्टैंड होता तो उसको स्टे नहीं मिलता, उसको कोर्ट से स्टे मिला था, और लेकिन आपने उसको इस तरह से फंसा दिया कि अगली बार कोई व्यक्ति इस तरह की का सेमिनार करेगा तो वो एक पक्ष के लोगों को बुलाने में कतराएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कोर्ट कचहरी में जाना या इस तरह की बात करना। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो उसमें जो अवधारणा है स्वायत्तता की, वो भी अपने आप में काफी डराने वाली है। अगर आप HEC जो उन्होंने कल्पना की है जिसमें से UGC और हमारी जो पुरानी संस्थाएं हैं उनको हटा करके वो HEC को एक लाना चाह रहे हैं, HEC के साथ में जो मूलभूत समस्या है एक तो मुझे नजर आती है वो गार्डेड ऑटोनॉमी की जो अवधारणा है वो मुझे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखती है। और बेसिकली हम देखें तो आप यह कह सकते हैं कि भाई जो है हम बार बार स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, लेकिन जहां जो जिस स्वायत्तता की हम मांग कर रहे हैं वो संस्थागत स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, हम दैनिक कार्यों में जो अनावश्यक सरकारी नियंत्रण है उसकी बात कर रहे हैं, हम सरकारी संस्थानों में जो नियुक्तियां हैं या पदोन्नतियां हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की से को हटाने की बात कर रहे हैं, हम आधुनिक पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए उसमें जो नौकरशाही का अंकुश है उसको उसके हस्तक्षेप को हटाने की बात कर रहे हैं, हम उस स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वायत्तता की बात कर रही है की जा रही है जिसको कुछ लोग सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं कि भाई सरकार की तरफ से शिक्षण संस्थाओं पे अपनी कर ढीली करने का एक प्रयास है, ये अच्छा प्रयास है, लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि ये जो स्वायत्तता है वो शैक्षणिक स्वायत्तता नहीं है बल्कि वित्तीय स्वायत्तता है।
अब आप ये बताइए कि वित्तीय स्वायत्तता आप ऐसे संस्थानों को देने जा रहे हैं, पिछले 3 दशकों से धन की कमी, शिक्षक छात्र अनुपात और बुनियादी ढांचे, इन सब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये बेसिकली तो आप प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन की बात के साथ में अपनी बात मैं खत्म करूंगी। जैसा कि अपवानंद सर ने कहा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं या प्राइवेट संस्थान होते हैं वो दिखने में काफी स्वायत्त दिखते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वहां होता नहीं है। मैं अपना पर्सनल अनुभव एक शेयर करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 2000 में एक स्वायत्त, मतलब सॉरी, निजी शिक्षण संस्थान के साथ में की थी। हमें अच्छा पैसा, हमें अच्छी फैसिलिटी मिलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा वहां पे कि वहां पे दो तरह के फैकल्टीज थे, एक परमानेंट फैकल्टीज और एक टेम्पररी फैकल्टी। मेरा जो अपॉइंटमेंट शुरुआत में हुआ था वो एज अ टेम्पररी फैकल्टी हुआ था। हमें उस समय हमें फोर्थ पे कमीशन सैलरी मिला करती थी। जो वहां की परमानेंट फैकल्टी थी वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनको फिफ्थ पे कमीशन दे दिया जाए। उन्होंने एक बार, मतलब एक साल जब मेरा वहां गुजर गया था, नेक्स्ट ईयर उन्होंने, जो परमानेंट फैकल्टीज थी, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र, जितनी भी गवर्निंग बॉडी के लोग थे उनके नाम लिखा, अपना पत्र, लिटरली कोई हड़ताल नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एक एप्लीकेशन जो होती है, जो एप्लीकेशन लिखी गई, प्रार्थना पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने अपना बात रखी और ये कहा कि उनको 5वां वेतनमान दे दिया जाए, जिसमें सिर्फ उन्होंने परमानेंट फैकल्टीज के लिए वो मांग की थी, वो टेम्पररी फैकल्टीज के लिए मांग नहीं की थी। हमने सिर्फ उनके समर्थन में साइन कर दिए। आप ये देखिए, वो सिग्नेचर, एक प्रार्थना पत्र पे सिग्नेचर, जिसमें डिमांड हमारी नहीं है, किसी और की है, उसका परिणाम ये हुआ कि सारे टेम्परेरी स्टाफ को बुलाया गया और सबको बिठाया गया, टेम्परेरी और परमानेंट स्टाफ को, और कहा गया कि आपने ये लेटर कैसे भेज दिया। उस समय मुझसे रहा नहीं गया था, हालांकि मैंने उस समय ही कहा कि भाई आपके यहाँ रात को 2-2 बजे तक जो लोग काम करते हैं, सैटरडे संडे भी नहीं, सैटरडे तो छुट्टी नहीं होती, संडे भी नहीं देखते हैं, आपके 24 आवर्स सर्वेंट हैं, अगर उन्होंने छोटी सी एप्लीकेशन लिख भी दी, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, आप रिजेक्ट कर दीजिए ना, ये कोई वो तो है नहीं कि का कोई आंदोलन हो रहा है। मेरा हाथ दबाते हुए किसी ने कहा था कि दबाने की कोशिश की थी, मैंने कहा देखो ये हमको अब नहीं रखने वाले, मुझे समझ में आ रहा है। और हुआ भी यही, जो जितना टेम्परेरी स्टाफ था वो नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर था उसमें बदल दिया गया। आप ये देखिए कि आपको एक सिंपल प्रार्थना पत्र लिखने की भी स्वतंत्रता एक निजी संस्थान में नहीं होती है। तो अगर ये निजीकरण की ओर लेके जाना चाह रहे हैं देश की शिक्षा प्रणाली को, आप सोच लीजिए कि स्वायत्तता पे एक बहुत बड़ा खतरा, वैसे भी और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। धन्यवाद। दारापुरी सर, पहले तो आपको काफी इंतजार करवाया, आपने हमारी बातें सुनी इतने देर तक, उसके लिए शुक्रिया। प्रोफेसर अपूर्वानंद और चैनिका, डॉक्टर चैनिका ने भी इस तरफ बताया कि अकादमिक आजादी का पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या होता है। मैं आपसे एक इसमें जो एंगल पुलिस का एंगल है उससे उसके लिए आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक नॉन स्टेट एक्टर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिकायत पर पुलिस विश्वविद्यालय को यह खत लिखती है कि जिस विषय या विचार पर बात होनी है उस पर पहले सहमति होना जरूरी है। एक कानून के छात्र के नाते भी मैं ये समझता हूं कि ये सीधे सीधे अकादमिक आजादी पर हमला है, क्योंकि अकादमिक आजादी की एक पहली शर्त है, जिस तरह प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा भी, कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिन, आत्मनिश्चित करने की जो है वो पहली शर्त है अकादमिक आजादी। अगर हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि मुझे किस विषय पर पढ़ना है, अपूर्वानंद प्रोफेसर ये बता नहीं पाएंगे कि उन्हें किस विषय पर पढ़ाना है, तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट में इंटरफेरेंस है। आप, आपका लंबा अनुभव रहा है पुलिस में काम करने का, आप आईजी भी रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि पुलिस के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? खासकर ये बार बार इस बात की तरफ इशारा किया जाता है, तमाम स्कॉलर्स जो पुलिस के लिए काम करते हैं, पुलिस पे शोध करते हैं, वो कहते हैं कि छात्रों और अकादमिकों के साथ डील करते समय पुलिस को एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना चाहिए, वो एक सेंसिटिवनेस की बात की जाती है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि एकेडमिक इंडिपेंडेंस और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के बारे में विस्तार से प्रोफेसर पूर्वानंद और दूसरे वक्ता ने बताया है। जहां तक जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पुलिस का जो संबंध है, वो देखिए
जो वर्तमान में चाहे वो सेंट्रल है चाहे वो स्टेट के हैं, वहाँ एक सामान्य आदेश ये है कि पुलिस जो है सामान्यतया जो प्रिंसेस हैं चाहे वो कॉलेज है चाहे वो यूनिवर्सिटी है उसमें बिना जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसकी अनुमति के बिना वहां पर प्रवेश नहीं करेगी जब तक के कुछ ऐसा बड़ा कोई क्राइम मतलब ना हो जिसमें वो परमिशन लेना या उनसे सहमति लेना संभव नहीं हो तब तक जो है पुलिस उसमें प्रवेश नहीं करेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी जो मंशा यही रहा है कि जो अकेडमिक्स है जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने देना चाहिए और जो भी अंदरूनी समस्या है सबसे पहले वो उसको डील करें और हल करें और यदि नहीं होता और वो कुछ क्रिमिनल टाइप का कोई मामला बनता है तो उसमें फिर पुलिस को बुलाया जा सकता है। तो इस मामले में ये जो सागर यूनिवर्सिटी वाला मामला है इसमें जो तथ्य जो मैंने थोड़ा पढ़ा है कि जो सेमिनार रखा गया था एक तो उसका विषय ऐसा था जिसपे कोई भी जो एक स्पष्ट मत वाला आदमी है साफ दिमाग वाला आदमी है उस विषय पर कोई एतराज नहीं कर सकता। वैज्ञानिक सोच के विकास में क्या बाधाएं हैं सांस्कृतिक या दूसरी क्या बाधाएं हैं ये एक विषय ऐसा है जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन्होंने इस पे आपत्ति उठाई उन्होंने सब्जेक्ट पे आपत्ति नहीं उठाई, उन्होंने आपत्ति क्या उठाई वैसे तो उनका इरादा तो यही था कि इस विषय पर भी कोई भी विचार विमर्श या कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, परंतु विषय ऐसा था जिस पर नहीं आपत्ति की जा सकती थी तो उन्होंने इनडायरेक्टली उन लोगों पर आपत्ति उठाई जो कि उस पर उसमें भाग लेने वाले थे। तो वो जैसे कहते हैं कि बहाने से वो जो योजन हो रहा था उसको रोकने की एक मतलब एक इरादा था। अब उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दी और उसने प्रशासन ने एप्लीकेशन जो है वो पुलिस अधिकारी को भेज दी। तो मैं पुलिस के बारे में आपको बता दूं कि ज्यादातर पुलिस का जो नजरिया रहता है बहुत कंजर्वेटिव रहता है क्योंकि उनका एक्सपोजर जो है कुछ उन चीजों से नहीं रहता, वो दूसरी चीजों से डील करते रहते हैं और ओवर द पीरियड उनका नजरिया भी बहुत नैरो हो जाता है। तो इस मामले में जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके पीछे उन्होंने अपनी इच्छा से कार्रवाई की हो मैं इसको नहीं मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो भी पुलिस कार्रवाई करती है वो ज्यादातर ऊपर से गाइडेड होती है, ऊपर से जिस प्रकार के आदेश होते हैं उसी प्रकार से पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है और इस मामले में जो कार्रवाई की गई वो ये दर्शाती है कि ये पुलिस का कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं है, ये एक प्रॉम्प्टेड एक्शन है और जो प्रॉम्प्टेड एक्शन जो है वो स्टेट का है। जैसा कि हम आज बड़ा व्यापक तौर पर देख रहे हैं कि जो पुलिस जो है वो ऊपर से गाइड होके कार्रवाई कर रही है, वो अपनी सोच से कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये एक कोई स्टे इंसिडेंट नहीं है कि छिटपुट घटना नहीं है कि सागर यूनिवर्सिटी में होगी, जैसे पूर्वानंद जी ने उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं मतलब रोक लगाने की घटनाएं या किसी आयोजन को फ्रस्ट्रेट करने की घटनाएं ये बराबर हो रही है। तो ये एक पूरा डिजाइन है जो इस समय सत्ता में लोग हैं उनका एक डिजाइन है कि हमें किसी भी प्रकार के ऐसे विषय को ऐसे विचार को आइडियोलॉजी को ना तो पनपने देना है ना उस पर कोई विमर्श करने देना है क्योंकि उन्हें इसमें अपनी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा जिसको लेके ये सरकार चल रही है उन्हें इसमें एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है। तो इसीलिए ये जो सागर यूनिवर्सिटी में हुआ कि सब्जेक्ट पे आपत्ति नहीं कर सके, उन्होंने जो पार्टिसिपेंट थे उन पे आपत्ति की और क्योंकि ऊपर से सरकार का सामान्य दिशा निर्देश ऐसा है कि सरकार का आलोचनात्मक कोई भी जो आयोजन है उसको नहीं होने देना है, उसके सरकार की विचारधारा के विपरीत कोई भी दूसरे विचार को फैलने नहीं देना है पनपने नहीं देना है। तो ये एक पूरा डिजाइन है, ये किसी एक पुलिस अधिकारी की अपनी मर्जी का निर्णय नहीं है, ऊपर से दिशा निर्देश ऐसे है और जिसके कारण ये सब हुआ है। तो ये स्पष्ट तौर पर
जो आप एकेडमिक स्वायत्ता की बात करते हैं, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता की बात करते हैं, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रोक है। तो पुलिस तो इसमें एक बड़ा छोटा सा प्लेयर है, वो तो छोटा सा प्लेयर है, जो बाकी बड़ा जो कुछ भी हो रहा है वो तो दूसरे माध्यमों से हो रहा है। तो इसलिए पुलिस की भूमिका बड़ी सीमित है, वो गाइडेड है, और बाकी जो स्वायत्ता खत्म करने का जो उपक्रम चल रहा है वो पूरा सरकारी तौर पर चल रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रहा है, यूजीसी के माध्यम से चल रहा है, या जो मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से चल रहा है। तो इसलिए हमें जो सरकार अपनी विचारधारा को सब जगह थोपना चाहती है, वो कहते हैं कि सब आप इसी को सुनिए और इसी का अनुसरण करिए, तो इसके पीछे जो कहा जाता है कि उनकी आइडियोलॉजिकल हेजमनी या कल्चरल हेजमनी जो है उसकी स्थापना करना है, और हरेक विरोधी या आलोचनात्मक जो विचार है उसको आगे नहीं आने देना है और उसको रोकना है। तो ये एकेडमिक स्वायत्ता में और इंस्टीट्यूशनल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनकी स्वायत्ता में पुलिस का रोल बहुत सीमित है। इस समय जो रोल आपको दिखाई देता है वो पुलिस का अपना सुओ मोटो रोल नहीं है, वो ऊपर से जो निर्धारित रोल है उस रोल को पुलिस निभा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि एज एक्स पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि ये एकेडमिक के लिए इंस्टीट्यूशंस के लिए ये सही नहीं है और एकेडमिक गतिविधियों के लिए सही नहीं है, और इन द लॉन्ग रन हम जो एक एजुकेशनल एक डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं, एक ज्ञान को बढ़ना चाहते हैं, लोगों को सही ढंग से एजुकेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक नॉन स्टेट एक्टर और एक संविधान के छात्र के नाते मैं इस विषय को ऐसे भी देखता हूं कि एक थ्रेड लाइन डिफरेंस होता है स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में। यहाँ एक नॉन स्टेट एक्टर एग्जीक्यूटिव मैसनरी का उपयोग करके एंटी नेशनल लेवल करना या सिंगल आउट करना किसी सिटीजन को कि इनसे हम इस विषय पर बात करने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं एक संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियाद को चुनौती देता है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था, प्रोफेसर विकी जैक्सन ने लिखा कि अगर नॉलेज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर थ्रेट है तो साथ ही साथ वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी थ्रेट है, वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए भी थ्रेट है। तो कहीं ना कहीं आप क्या इस बात से सहमत हैं जो मैं मानता हूं कि एक क्रिटिकल फीडबैक मैकेनिज्म, क्रिटिकल स्कूटनी का जो मैकेनिज्म है उसको एक तरीके से खत्म करने की एक प्रक्रिया है, और ये गहरे संस्थानिक संकट, डीप इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की ओर इशारा करती है, जहां एक स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर के बिहेस्ट पे एक सिटीजनरी को, उनके फ्रीडम को आइडेंटिफाई करके खत्म करने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, राजेश आपने खुद ही इस बात क्या करने की बहुत आवश्यकता। देखिए, अगर इस प्रसंग को हम समझने की कोशिश करें, मतलब मेरे विचार का आपके विचार का नहीं है, आपने एक प्रक्रिया की बात की और आपने एक सिद्धांत की बात, किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, किसी को भी अपना मत रखने का अधिकार है, वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही क्यों ना हो और वह शासक दल का सदस्य अंग क्यों ना हो, उसे भी अपनी बात कहने का हक है, तो वह तो कर सकता है, वह कोई भी आरोप लगा सकता है। उसके बाद जैसा आपने कहा क्रिटिकल स्क्रूटनी, वह कौन करेगा? जैसे एक पत्र मैंने लिखा, उस पत्र में लिखा कि बहर रजा ने अफजल प्रेम नाम की कविता लिखी है, ठीक है। अब कोई भी जिम्मेवार संस्थान जो होगा, मसलन पहले यह पत्र विश्वविद्यालय को लिखा गया, अफजल प्रेम कविता सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जा सकते हैं, हालांकि किसी अफजल प्रेम जैसी कविता लिखने की भी आजादी किसी को हो सकती है, लेकिन ये एक अलग बहस है, हम अभी उसको छोड़ देते। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको इससे एतराज है, आप ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहेंगे जिसने ऐसी कविता लिखी हो या जिसके बारे में आपको लगता हो कि वो अफजल गुरु का प्रेमी है वगैरह। ये पूरी बहस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अफजल गुरु भारत के नागरिक थे जैसा भारत कहता है, लेकिन वो पूरी एक अलग बहस है कि उनकी फांसी कैसे हुई, वो न्यायपूर्ण थी अन्यायपूर्ण थी, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल जिस तरह किया जाता है भावनाओं को भड़काने के लिए, वो मुझे बहुत ही ज्यादा
तकलीफ देते हैं। बहरहाल तो पहला कार्य क्या होना चाहिए था कि गौहर रजा ने ऐसी कोई कविता लिखी है कि नहीं, गौहर रजा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या आप बहुत आसानी से पता कर सकते थे वो आपने नहीं किया, आप अपूर्वानंद के बारे में पता कर सकते थे वो आपने नहीं किया, आपने उस पत्र को जो कि एक जैसे आपने कहा नॉन स्टेट एक्टर ने लिखा, उस पत्र को आपने जोगा क्यों लिया और उसके बाद आपने आगे की कार्रवाइयां शुरू कर दी जो बिल्कुल असंबद्ध है और इससे सांस्थानिक कमजोरी का पता चलता है। जैसे उस पत्र के बाद आपको याद आया कि केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी थी और फिर आपने वहां खुद ही स्क्रूटनी नहीं की, यानी केंद्रीय सरकार से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं रह गई है, यह बात भी आपको नहीं पता है। तो इससे यह मालूम होता है कि सांस्थानिक तंत्र कितना कमजोर हो चुका है। इस सांस्थानिक तंत्र में प्रवेश होता है पुलिस का, जिसका जिम्मा कानून व्यवस्था बनाए रखने का। उस पुलिस के सामने पहला पत्र होना चाहिए था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हुआ है, जिसमें उसने धमकी दी थी कि मैं विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दू, हम बंद करवा दें। ये एक सीधी धमकी थी, आपको एतराज है किसी पर आप वो एतराज दर्ज करेंगे, जनतांत्रिक तरीके से करेंगे, लेकिन आप धमकी दे रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय को चलने नहीं देंगे। तो कानून व्यवस्था में दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? यह संस्था पैदा कर रही है। जिस संस्था को कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा है उसको क्या करना चाहिए? उसको सावधानी यहां रखनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो इस संस्था की ओर से विश्वविद्यालय को धमकी दे रहा है। फिर उसने इसकी जांच नहीं की, बल्कि उसने असत्य का प्रयोग किया, क्योंकि उसने यह कहा कि हमने स्वतंत्र रूप से पता किया। तो कैसे पता किया है? हमें खुद जानकारी मिली है कि ऐसा है, हमें जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालय में लोगों में बेचैनी। वो कैसे जानकारी मिली है? यह खुद कैसे अज्यूम कर लिया? तो जो एक सांस्थानिक संस्कृति होती है, एक संस्थान दूसरे संस्थान को बनाए रखने में मदद करता है। विश्वविद्यालय सुरक्षित इसलिए महसूस करता है कि विश्वविद्यालय को यह पता है कि पुलिस और प्रशासन उसके स्वायत्त संचालन में बाधा नहीं पहुंचने देगा। यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो आपने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, और यह बात और भी दूर तक जाती है, यानी यह सिर्फ स्थानीय स्तर पर सागर को ना देखें बल्कि आप केंद्रीय मंत्रालय को देखें। क्यों ऐसा विश्वविद्यालय ने कहा हो? क्योंकि इतिहास ये रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस तरह के परिपत्र सीधे भेजता रहा है कि आप स्वच्छता दिवस मनाइए, आप राष्ट्रीय एकता दिवस मनाइए, आप शौर्य दिवस मनाइए, आप यह दिवस मनाइए, अफवाह दिवस मनाइए। अब यह केंद्रीय मंत्रालय का काम नहीं है कि वह यह करे। अभी एक बहुत मजेदार और हास्यास्पद परिपत्र जारी हुआ, विद्यालय अनुदान आयोग ने जारी किया, नई शिक्षा नीति का एक साल पूरा हुआ, हमें यह भी पता नहीं चला कि यह नई शिक्षा नीति लागू कैसे होगी, कैसे लागू होगी, क्योंकि इसका कोई प्रोग्राम ऑफ एक्शन तो बना नहीं, संसद में इस पर कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। बिना किसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति लागू होगी, कैसे लागू होगी, क्या तरीका है, यह सब हमें नहीं पता। लेकिन जो पत्र जारी हुआ एक साल पूरा होने पर, उसमें यह कहा गया कि जिस दिन भारत सरकार का कोई भी एक मंत्रालय वेबिनार आयोजित करेगा, उसी दोपहर 3 बजे विश्वविद्यालय उसी विषय पर वेबिनार आयोजित करेगा। आप देखिए, जिसको आप सांस्थानिक रिश्ता कह रहे थे वो कैसे टूट गया और स्वायत्तता को कैसे आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय किसी भी एक विषय पर वेबिनार जिस दिन आयोजित करे उसी दिन 3 बजे से विश्वविद्यालय उसी पर करे। तो इसका मतलब विश्वविद्यालय अब स्वायत्त रह ही नहीं गया, वो भारत सरकार की संस्था बन गई। और देखिए, विषय भी तय करके दे दिए गए, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इस पर स्कूल एडुकेशन लिटरेसी नोडल मिनिस्ट्री है, मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एडुकेशन ये दूसरा विषय, इस पर यूजीसी करेगी,
effect of an EP on youth empowerment in sports, especially sports department or university करेगी? तो यह एकदम स्पष्ट है कि जो सांस्थानिक संतुलन होता है और सांस्थानिक सम्मान होता है, यहाँ एक पत्र जारी किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मंत्रालय सुबह में करेगा, उसी विषय पर दोपहर में आप करेंगे। तो विश्वविद्यालय को तो पूरी तरह से आनुषंगिक इकाई मान लिया गया सरकार, फिर किसी तरह स्वायत्तता की बात रही कहां? डॉक्टर उनियाल, हम इसे ऐसे आपसे जानना चाहेंगे कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते भी है, जैसे जॉन डे ने कहा कि उच्च शैक्षिक जो संस्थान है उसका योगदान लोकतंत्र को बनाए रखने में तो है ही, उन मानकों और विचारों को घड़ने में भी है जो राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल ऑर्डर को बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। प्रोफेसर अपूर्वन बता रहे थे कि कैसे इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस इसका एक पर्सपेक्टिव है, एक पार्ट है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक एस्पिरेशनल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी जिसको हम कहते हैं, एक छात्र के नाते भी हम जब विश्वविद्यालय से निकलते हैं तो ये माना जाता है कि हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी बनकर निकल रहे हैं जिनका सिटीजन गवर्नेंस में जो सेल्फ गवर्नेंस का आइडिया है डेमोक्रेसी का, उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, विचारशील लोकतंत्र है, उसमें हम अपना एक योगदान देंगे। आप इस पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं कि एक तो डेलिबरेशन का स्पेस खत्म हो रहा है, दूसरा कि हम क्या इतने डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हैं कि हम अपने भीतर के स्पेस को, अकादमिक स्पेस को बचा के रख सकें? सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गई थी। जो आप बात कर रहे हो, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर अब आपने जैसे मुझे इनवाइट किया है, अपूर्वन सर को इनवाइट किया है या एसआर सर को इनवाइट किया है, अब आपने एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया है और पैनल डिस्कशन में कौन क्या बोलेगा ये आप तो तय नहीं कर सकते। जब आप तय नहीं कर सकते तो उसके लिए आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हो? मैंने जो बोला उसके लिए यदि आपको दंडित किया जाए तो आप सोच लीजिए कि स्वायत्तता कहाँ जा रही है, या मैं क्या बोल रही हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अगर मैं किसी को बुला रही हूँ और वो क्या बोल रहा है उसके लिए भी मैं दोषी हूँ, मुझे नहीं लगता कि स्वायत्तता के जो बड़े बड़े मापदंडों की बात अपूर्वानंद सर ने की वो कहीं फिट बैठ हैं। तो मुझे लगता है कि इस परिवेश में अब अगर हमें अपने कॉलेज में कोई सेमिनार आयोजित करना है या किसी को बुलाना है या हम खुद क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब जैसे मैं तो इतिहास पढ़ाती हूँ और जब हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वहां तो बहुत सारे डिबेट्स हैं, हमें तो मतलब बहुत डिप्लोमेटिक होने की जरूरत पड़ जाएगी, हम खुल करके बोल ही नहीं सकते किसी के पक्ष या विपक्ष के अंदर। मुझे लगता है कि उससे होगा क्या, उससे अल्टीमेटली होगा ये कि मुझे लगता है जब तक अलग अलग विचार ना हो, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ना हो और वो ओपनली रखे ना जाए, एक जो नया विचार निकलने की बात आती है, एक नए विचारों के बनने की बात आती है, वो नहीं हो सकता। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे क्या सीखने वाले हैं? उनको अगर हम फ्रीडम ना दें बोलने की या पूछने की, वो सिर्फ वही सवाल पूछें जो कंफर्टेबल जोन में आते हो, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, तो फिर शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है एक जिम्मेदार सिटीजन बनाना, एक जागरूक सिटीजन बनाना, वो उद्देश्य पूरा करता हुआ मुझे वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ा कम लगता है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाकई में चाहते हैं कि ये देश विश्व गुरु बने उसके लिए आपको वो स्वतंत्रता तो देनी पड़ेगी ना लोगों को सोचने की और बोलने की, कि वो बिना डरे बोल सके। जैसे सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था स्टालिन का, क्योंकि मैं रशियन हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ तो मुझे मालूम है कि स्टालिन ने तो अपने ही दल के लोगों को नहीं बख्शा था जो उसके खिलाफ गए। हम नहीं चाहते कि वैसा डर होना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर। दारापुरी सर, जाते जाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अकादमिक संस्थान को गवर्नमेंट रेगुलेशन या दमनकारी नीतियों के जरिए नियंत्रित करना, और खासकर एक छात्र के नाते मुझे ये लगता है कि पुलिस का उपयोग करके क्या हम
हम देख रहे हैं कि 1990 के दशक के बाद से जिस तरफ हम बढ़ रहे थे कि हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे थे, प्रकाश सिंह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत एक्सप्रेसिवली इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से हमें एक नेशनल पुलिस कमीशन और पुलिस को स्टेट के चंगुल से हमें बाहर रखना चाहिए, जो हम देख रहे हैं वो उसके ठीक उल्टा है। क्या हम एक पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं? आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है पुलिस में, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते कि एकादमिक संस्थानों के साथ पुलिस को कैसे पेश आना चाहिए, छात्रों और अकादमिकों के नजरिए से और एक पुलिसमैन के नजरिए से आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि एकेडमिक इंडिपेंडेंस और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस में पुलिस की भूमिका बहुत सीमित है। वो तो जब कोई परिस्थिति पैदा हो तब उसमें दखल की बात है। तो पर जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालयों के अंदर की अपनी समस्याएं हैं, आज जरा जरा सी बात पे पुलिस को उसमें समन कर लिया जाता है, और जो जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की है कि वो उन समस्याओं को सुने और उनका हल निकाले, वो हल ना निकाल के उसको एक लैंड ऑर्डर का जो है वो मुद्दा बना देते हैं, और लैंड ऑर्डर के लिए अपनी स्किन बचाने के लिए वो पुलिस को आगे कर देते हैं, तो जो के बहुत गलत है। तो अच्छा, दूसरा ये है कि एकेडमिक्स में या इसमें पुलिस की भूमिका सीमित है, और वो वही भूमिका होगी जो सरकार तय करेगी, और वर्तमान में सरकार जो है वो एकेडमिक इंडिपेंडेंस, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को खत्म करने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है, और पुलिस भी उसमें एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जबकि पुलिस की भूमिका तो जैसा मैंने बताया बहुत सीमित होती है। तो इसीलिए पुलिस को इनसे, इंस्टीट्यूशन से दूर रखा जाना चाहिए, और उनके मामलों का जो भी समाधान है वो अंदरूनी तौर पर किया जाना चाहिए, तभी ये इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस और एकेडमिक इंडिपेंडेंस जो है ये कायम रह पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वा आनंद, डॉक्टर उन्याल और एसआर दारापुरी सर, आप तीनों का कि आप हमसे जुड़े। मैं जाते जाते इस बात पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा जो प्रोफेसर विकी जैक्सन ने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कैन ओनली डू सो मच, ऑलमोस्ट एनी इंस्टीट्यूशन कैन बी सबवर्टेड इफ कंट्रोल्ड बाई पर्सन हु डू नॉट हैव डेमोक्रेटिक कॉन्सुलिस्ट टेम्परामेंट और कमिटमेंट, सो द ट्रेट्स दैट आर वैल्यूड इन सोसाइटी मे बियर ऑन द लाइकली सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सिविक एंड सोशल एजुकेशन में बी ए पार्शियल रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज। Our attempt is also an attempt to civic education, social education, to talk on the very important topic of academic independence. Professor Apurvanand, Dr. S.R. Darapuri and Dr. Unnial, thank you so much.